दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मुंबई की टीम को अपने दम पर जिताने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में खास तौर पर रोहित और कोहली को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया है। आखिरकार अपने बयान में जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने मैन ऑफ द मैच बनते ही क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव विराट कोहली में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 में मुकाबले कई एक से बढ़कर एक हुए हैं, लेकिन जब बात आरसीबी और मुंबई की टीम की आती है तो ये जो मैच था ना, ये दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ के लिहाज से बहुत जरूरी था। और इसमें मुंबई के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने ऐसे कुछ धमाके कर दिए हैं कि इस साल के अपने अगले पिछले सारे हिसाब पूरे कर दिए। इस मैच की बात करें तो दोस्तों आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी। दोस्तों आरसीबी की टीम की बात करें तो डुप्लेसिस ने 41 गेंदों में 65 रन चढ़े तो वे मैक्सवेल भी 33 गेंदों में 68 रन लगाकर गए। कार्तिक भी 18 गेंदों में 30 रन बना चुके थे। इतनी शानदार पारियां थी तो आरसीबी की टीम का जो स्कोर था वो बड़ा तो बनना ही था। 20 ओवर में दोस्तों इस टीम के 199 रन बन चुके थे। अब आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 का टारगेट जिस भी टीम के सामने हो तो लक्ष्य आसान तो होता नहीं। इसे चेस करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत कैसी थी, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 21 गेंदों में 42 रन तो अकेले ईशान किशन ने जड़ दिए थे। तो रोहित शर्मा भी 8 गेंदों में 7 रन बनाकर भले ही आउट हुए, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिस पर हर किसी की निगाहें थी और वो थे सूर्य कुमार यादव। 35 गेंदों में 7 चौके 6 छक्के जड़कर 237 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 83 रन की एक ऐसी यादगार पारी इस मैच में खेल डाली जिसने हार और जीत की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। कोई ये सोच नहीं रहा था कि मुंबई की टीम हार भी सकती है, क्योंकि सूर्य ने अकेले तो मुंबई की टीम को आधे से ज्यादा मैच जिता दिया था। उधर दोस्तों निहाल वाडेरा भी 34 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के लगाकर पूरे 52 रन बना चुके थे। इस टीम का जीतना तो कंफर्म था और फिर पारी के 17वें ओवर में सूर्य के इसी चमत्कार से ये टीम जीत भी गई। सूर्य की इतनी धाकड़ पारी के दम पर दोस्तों मुंबई की जीत की प्रशंसा पूरी दुनिया में की जा रही है। लेकिन सूर्य की बैटिंग के बाद उन्होंने मैन ऑफ द मैच बनकर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इतनी शानदार जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में कहा, ऐसे मुकाबलों में जीतना दोनों ही बेहद ही जरूरी है। जाहिर सी बात है जब आपकी टीम प्लेऑफ के इतने करीब हो तो आप हर एक पारी ऐसे खेलना चाहते हैं जैसे आपके करियर की आखिरी पारी हो। टीम को जिताना ही केवल मेरा मकसद था और खुशनसीब मानता हूं कि रोहित भाई जैसे कप्तान के साथ मुझे हर मैच में खेलने का मौका मिलता है। लेकिन ये जीत जितनी मेरी है उतनी ही सभी खिलाड़ियों की भी है। ये पारी निकलती रही अगर बाकी खिलाड़ियों का समर्थन मुझे नहीं मिलता, और खास तौर पर मेरे कप्तान रोहित शर्मा और मैदान में मौजूद विराट कोहली का। ये दोनों मेरे क्रिकेटिंग करियर के सबसे बड़े गुरुदेव हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है ऐसी ही बल्लेबाजी हमेशा इनसे सीख कर अपने करियर में करता रहूंगा। ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये पारी उनको जवाब जरूर है जो मुझ पर उंगली उठा रहे थे। ये जीत मेरी मुंबई के फैंस को समर्पित है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम जरूर से इस आईपीएल को जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव का बयान और उनका ऐलान आईपीएल को जीतने का वाकई में दिल खुश कर देगा मुंबई के फैंस को। लेकिन जो रोहित कोहली के लिए उन्होंने इज्जत दिखाई वह वाकई में सराहनीय है। लेकिन आप सभी सूर्य की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।